सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हमारे ग्राम में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं भोजपुरी के जाने माने कलाकार, वो गोरखपुर के सांसद माननीय श्री रवि किशन जी। और आपको इस वीडियो में हम उनसे भी मिलवाएंगे और अपने ग्राम सभा की ये विशाल प्रतिमा भी दिखा रहे हैं। तब तक जब तक आए नहीं हैं रवि किशन जी, तब तक मैं आपको माता के दर्शन करा देता हूं और आसपास की सारी चीज़ों को भी दिखाऊंगा। और आप वीडियो में बने रहिएगा। और आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना हुआ है और बहुत ही बड़ा ये पंडाल भी बना है, काफ़ी खूबसूरत इसकी सजावट हुई है। और वेलकम गेट पर आप जैसा कि देख सकते हैं श्री गणेश जी का प्रतिमा लगाई हुई है, जिससे खूबसूरती और भी अधिक हो जाती है। और बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और आइए चीज़ों को मैं आगे भी एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ, माता के दर्शन कराता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए माता के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये रहा माता जी का विशाल प्रतिमा, जो कि 12 फुट की विशाल प्रतिमा है ये, और हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाई जाती है और हर साल बड़ी सी बड़ी प्रतिमा लाने की हम लोगों की कोशिश रहती है। और आसपास में भी इस तरह की बड़ी मूर्तियां नहीं आती हैं, हालांकि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती और कितना भव्य तरीके से बनाया गया इस पंडाल को और यहाँ की मूर्ति को, मंदिर की सजावट आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये बाहर का सीन है। और आइए आप लोगों को तब तक जो आसपास की चीज़ें लगे हुए, मेले लगे हुए हैं, उनको भी दिखा देते हैं। बिल्कुल वीडियो लंबा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग सा लगने लगता है आपको, हमको पता है अच्छे से, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट भी दिखाते हैं। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आप लोगों से निवेदन है। और यहाँ पर जब रवि किशन जी आएँगे तो हम आप लोगों को रवि किशन जी से भी मिलवाएँगे। तब तक के लिए बस आप आसपास की चीज़ों को देखिए और जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है और इस तरीके से ये प्रवेश द्वार बनाया गया था। और यहाँ पे कुछ और इस समय हमारे बीच आ चुके हैं माननीय रवि किशन जी, तो आइए चलिए उनसे मिलवाते हैं आप सभी लोगों को। पूरा दुनिया भर में किस का नाम हो, भोजपुरी सिनेमा से जितना लोग आ गए हमारे घर के सब के बम्बई में बोला भाई, अच्छा लगा था। आज हमारे सब समाज के लिए क्या काम कर रहा है, आज पूरा गोरखपुर का भोजपुरी फिल्म का कुछ भी गोरखपुर में हो रहा है। इतना हमारे छोटे भाई पवन सिंह गजावाड़ा के हनीलाल यादव से लेके किसी कारणवश रवि किशन जी को जल्दी ही वापस जाना पड़ा। उनके जाने के पश्चात जो भी कार्यकर्ता थे, समिति के जो मेंबर थे, सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। उनकी मेहनत को, जो उन्होंने मेहनत दिया है, अपनी समय दिया है इस पंडाल को बनाने में या इस सारी व्यवस्था को बनाने में, सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और आगे भी कार्यक्रम अभी जारी रहेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा।
अरे इनके हम सम्मानित करते भाई, इस समिति के जितने छोटे भाई हमारे, इनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में। अगर ये साथ इतना योगदान नहीं दे पाते तो इस तरह का भविष्य सुमारू नहीं हो पाता। हमारे छोटे भाई हम लोग तय दिन से कार्य स्वागत करिए कि हर साल इतनी मेहनत करते रहे ताकि हमारे गाँव की और उन्नति होती रहे। यहाँ पर आकर माता का दर्शन कर सके, हमारे छोटे भाइयों का बहुत ही ज्यादा योगदान है इस कार्यक्रम में।